हेलो गाइस कैसे हो आप सभी आई होप यू आर वेल हाँ जी गाइस आज की वीडियो में हम करेंगे यूके के रिगार्डिंग मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स यूके यूनिवर्सिटीज़ में अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफर लेटर प्रोवाइड कर रही हैं वो उस वो आपसे इंटरव्यू लेती हैं अगर आप अपने इंटरव्यू क्वालीफाई करते हो तभी आपको कैश इशू होता है अदरवाइज आपको कैश लेटर इशू नहीं होता सो डैट्स वाई अगर अगर आप और अपनी स्टडी करने के लिए यूके आना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं और जिसके आंसर्स आपने बहुत केयरफुली देने होते हैं अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से देते हो तभी आप अपने यूके इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकते हो मैंने प्रीवियस एक वीडियो अपलोड की थी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकती हो क्योंकि उसमें मैंने आपको प्रॉपर क्वेश्चन बताए थे जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और विद आ, उसकी हेल्प से आप अपना जो यूके का यूनिवर्सिटीज़ का इंटरव्यू है वो इजी से क्लियर कर सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको यूके की यूनिवर्सिटी के स्टडी के रिगार्डिंग वीडियोस मिलेंगी एंड मैंने ना वो वीडियोस और अपलोड करनी है तो अगर आपकी कोई क्वैरी है रिगार्डिंग अकोमोडेशन है रिगार्डिंग स्टडी है रिगार्डिंग असाइनमेंट है तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ स्पेशल जो लाइक इंडियन स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए यूके यूनिवर्सिटीज़ की रिगार्डिंग यहाँ पे स्टडी कैसे होती है असाइनमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं और एनी अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकोमोडेशन तो आप मेरे को डीएम कर सकती हो और आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकती हो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ ओके गाइस तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम जो मेन क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स भी आ, साथ में राइट किए हुए हैं अगर आप स्पेशल मेन इम्पोर्टेंट थिंग अगर आप मेरे से यूकि यूनिवर्सिटीज़ की जो इंटरव्यू है उसकी प्रपेशन करना चाहते हो अगर आपने अभी सितम्बर इनटेक के लिए अप्लाई करना है या मे इनटेक के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है बट आपकी जो इंटरव्यू की प्रपेशन नहीं है और आप मेरे से इंटरव्यू की प्रपेशन करना चाहते हो तो आप मेरे को डायरेक्ट डी कर सकते हो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ वहाँ जाके आप अपना डी कर सकते हो अभी आपको इंटरव्यू की प्रपेशन करनी है उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको अगर तो कोई स्लॉट बुक करवाना है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रॉपर यू के यूनिवर्सिटी कैसी है एंड थिंक यू स्टडी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपना हाफ एन आवर का स्लॉट बुक भी करवा सकती हो उसके रिगार्डिंग भी आपको मेरे को डी करना पड़ेगा मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ ओके गाइज सो लेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन वट इज़ यू यूके का मतलब व्हाट इज़ यूके द यूनाइटेड किंगडम मेड अप ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंडलैंड आयरलैंड इज एंड आयरलैंड नेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप आपको एज इट इज इसको मतलब याद करना है वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बट अगर सम टाइम आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप इसका ऐसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो वट इज द कैपिटल ऑफ U.K.? द कैपिटल ऑफ U.K. इज लंडन वाई चूज यूनाइटेड किंगडम आपने यू के ही स्टडी के लिए क्यों चूज़ किया एज़ कम्पेयर टू कैनेडा ऑस्ट्रेलिया अदर कंट्रीज़ के कम्पेयर आपने इसको क्यों चूज़ किया तो इसका आप आंसर बोल सकते हो The UK is one of the most popular countries to travel to for the purpose of earning an education. Generations of international students have come to the UK for their education, which means that British universities have trackers of experience in working with international students. साथ में इसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो आप द यू के इंस्टीट्यूशन रैंक अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड क्वालिफिकेशन आर इंटरनेशनली वैल्यूड एंड रिकोगनाइज जैसे आप सभी को पता होगा ये यूके यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है अगर आप यहाँ पे बैचलर करते हो या मास्टर्स करते हो तो ये ग्लोबली रिकोगनाइज है आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद अगर मूव ऑन होना चाहते हो किसी अनदर कंट्री में वहाँ जाके भी आपकी जो यूके की एजुकेशन है वो वैलिड है सेकंड पॉइंट यूके इंस्टीट्यूशंस ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस एंड इनेबल अस टू ब्लेंड ब्लैंड एंड वोकेशनल कोर्सेज ऑफ़ अवर चॉइस अगर आपकी ग्रेजुएशन है आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो अगर आप मास्टर के लिए यूके में आना चाहते हो तो यहाँ पर मास्टर जो वन ईयर की है वन ईयर में आप अपनी मास्टर को कंप्लीट कर सकते हो और सेकंड थिंग आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं अपने कोर्सेस के रिगार्डिंग भी आप कौन सा कोर्स अपना हर स्टडी के लिए चूज़ कर सकते हो the teaching and study uh, methodology used in the UK will give me the freedom to the creative and develop skills sets and confidence एज़ अ स्टूडेंट आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू द टू बी थॉट वाय वर्ड्स लीडिंग एकेडमिक एक्सपर्ट्स यहाँ पे जो टीचर्स हैं ट्यूटर्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं जिससे आप नॉलेज गेन कर सकते हो आप उनसे कुछ भी अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग रह ले सकते हो तो डैट्स वाई आपने ये यू के अपनी हायर स्टडी के लिए चूज़ किया है एज़ कंपेयर टू अनदर कंट्री तो इनमें से अगर आप टू और थ्री पॉइंट भी अच्छे से एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर देते हो तब भी आपका जो ये आंसर है प्रॉपर जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड वाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी अभी आप यू के में किसी भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो जैसे लाइक बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं बर्मिंग सिटी यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है एस्ट्रन यूनिवर्सिटी है वालवरहैम्प्टन यूनिवर्सिटी है कवेंट्री में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज हैं ठीक है आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको फाइनली ही पूछा जाएगा जब भी आप यूके यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग इंटरव्यू देते हो इस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए तो आप इसके लिए क्या बोल सकते हो मैंने कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है इसके बिना आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ पॉइंट्स एड कर सकते हो बट ये जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एफॉर ऑफ रीजन्स टू चूज दिस यूनिवर्सिटी आपके

फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है ठीक है आप अपना कोई भी जो कोर्स है वो चूज़ कर रहे हो लाइक like, आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो मास्टर के लिए आ रहे हो आपका जो कोर्स है वो बिजनेस के रिगार्डिंग है जैसे आपकी यूनिवर्सिटी बर्मिंग सिटी यूनिवर्सिटी है या फिर आपकी यूनिवर्सिटी वाल्टन यूनिवर्सिटी है उसमें आप रैंकिंग चेक करो भी जो भी आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो उसकी रैंकिंग क्या है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी लाइक आप टू यूनिवर्सिटीज़ का कंपेरिजन कर रहे हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल जो बी की है ठीक है वो सेवेंटी एट है जो आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो बट जो वॉल्वरम्पटन यूनिवर्सिटी है उसकी इससे थोड़ी सी कम है उसकी सेवनटी फाइव सेवेंटी सिक्स है बट जिसकी रैंकिंग हायर होगी आप उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर रहे हो तो ऐसे आपने रीज़न एक्सप्लेन करने मैंने जैसे आपको एक एग्जाम्पल दी है भी जो भी आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो उसमें आपने देखना है आपके कोर्स की जो रैंकिंग है वो कितनी जा रही है ठीक है उसके अकॉर्डिंग भी आप मैंशन कर सकते हो कि इसलिए इसकी रैंकिंग ज़्यादा है सो डैट्स वाई मैंने इस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दी एज कम्पेयर टू अदर I choose to go to the large university because I like being part of that diverse students body. The world is a big place and I throw attending a big school would better prepare me for the life in the real world. लाइक like, जो भी आप यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो वहाँ पे लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मतलब अनदर कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं जैसे लाइक इंडिया से हैं पाकिस्तान से हैं और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं यहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं आपको यहाँ पे डिवर्सिटी मिलेगी अलग अलग रीजन से स्टूडेंट्स आते हैं जिसकी वजह से आप न्यू नॉलेज गेन कर सकती हो न्यू रीजन के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज मिलेगी इसलिए आप इस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दे रही हो मोर ओवर देयर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ इन यू के दैट प्रोवाइड्स दिन कैंपस अकोमोडेशन एंड यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ दैम विच ऑफर द मॉडर्न एंड सिक्योर ऑन द कैम्पस एकोमोडेशन अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है अगर आप वो अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है ये पॉइंट भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो मेरे को अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करिए जो मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है आपके लिए अदरवाइज आपको अकोमोडेशन फाइंड करनी पड़ती है प्राइवेट ठीक है तो इसकी वजह से भी आप अपनी यूनिवर्सिटी को प्रेफ्रेंस दे रहे हो

आपको एक्सेस स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है तो आप जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आपको ब्रीफ में एक बार रीड करना पड़ेगा जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करती है लाइक like जो सम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फिफ्टीन पाउंड्स टू टू पाउंड्स तो ये पॉइंट भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो भी जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो मेरे को इतनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है सो डेट्स वाई मैंने इस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दी ये मेरे को एक्स्ट्रा स्टडी मटीरियल प्रोवाइड कर रही है यहाँ के जो ट्यूटर्स हैं बहुत अच्छे हैं ठीक है ऐसे पॉइंट्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो दिस यूनिवर्सिटी लोकेशन दिस इज द पब्लिक यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन द लंडन ऑफ न्यू yeah, uh, जो ये वाला पॉइंट है इसमें आपने लोकेशन बतानी है अपनी यूनिवर्सिटी की जैसे लाइक like जो बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी है वो मेन बर्मिंगम है ठीक है तो वो आप बता सकते हो भी यहाँ की जो लोकेशन है वो सुपर है मेन जो रिनॉर्ड uh, लोकेशन है तो इसकी वजह से मैंने इस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दी है सिमिलरली दिस यूनिवर्सिटी इज रैंक इन द वर्ल्ड ये मेन पॉइंट है रैंक आपने अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जरूर बतानी है सॉरी <coughs> जो लेटेस्ट रैंकिंग है आपकी यूनिवर्सिटी की वो आपने बतानी है अपने नेट पे चेक करनी है भी आपकी जो यूनिवर्सिटी की रैंक है वो कितना है और एज़ कम्पेयर टू उसको कंपैरिजन करना है किसी अदर यूनिवर्सिटी के साथ जैसे जो आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है मान लो वो फोर जीरो वन है ठीक है फोर हंड्रेड वन है बट जो अनदर यूनिवर्सिटी है जो मतलब आपने चूज करना था ठीक है उसकी जो रैंकिंग है वो थ्री हंड्रेड नाइन्टी नाइन है तो आपने जो अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो बतानी है भी इसकी हायर है सो डैट्स वाई मैं इस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दे रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट एज वेल एज द यूनिवर्सिटी इज़ इट इज़ द यू के फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट एंड वीज़ा डुवाइज लास्ट एंड मोस्ट यूजफुल फैक्ट अबाउट दिस यूनिवर्सिटी इज़ डैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु वॉन्ट्स टू स्टडी इन यू ये कैन अप्लाई फॉर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप वही जो मैंने आपको बताया है आप की यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रही है सो डेढ़ सो वाई आप इस यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हो अभी जो देखो मैंने कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसको आप लाइक like, वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हो और इसके रिगार्डिंग आप जो सिमिलर पॉइंट्स हैं वो भी लिख सकती हो जो भी आपको आते हैं लाइक like, जो आप रिसर्च करके चेक कर रहे हो सो मेन पॉइंट ये है जब आपसे जो आपका एग्जामिनर है जब आपसे क्वेश्चन पूछता है भी आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया तो आपके पास वैलिड रीज़न होने चाहिए फाइव टू सिक्स पॉइंट फाइव टू सिक्स पॉइंट एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए भी आप उनको बता सको आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों प्रेफरेंस दी है एज कंपेयर टू

Why this course? Why do you want to study this subject? अभी आप क्या कोर्स के related क्वेश्चन भी आपने अभी फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की भी यस मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है सेकंड ऑफ़ ऑल आगे आपके कोर्सेज के बारे में आपने यही कोर्स क्यों चूज़ किया लाइक like आप ग्रेजुएट हो ठीक है ग्रेजुएट के बाद आप मास्टर के लिए यूके में स्टडी करने के लिए आ रहे हो तो मास्टर में आपके कितने सारे कोर्सेज़ हैं ठीक like है आपने यही कोर्स क्यों चूज़ किया लाइक सम स्टूडेंट्स एम यूज करते हैं सम समूडेंट बिज़नेस के रिगार्डिंग चूज़ करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस चूज़ कर लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग यूज करते हैं तो वो जो आपने कोर्स चूज़ किया है उसको आपने प्रीवियस स्टडी के साथ रिलेट करना है ऐसा ना ऐसा ना हो लाइक like आपने जो कोर्स है वो आपने चूज कर लिया नर्सिंग के रिलेटेड ठीक है जो आपकी जो प्रीवियस स्टडी है वो आपकी ग्रेजुएशन है सिंपल आप बी में सिंपल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसका कोई कंपेरिजन ही नहीं होगा तो आपने जो भी कोर्स चूज करना है उसको कंपेयर करना है आपकी प्रीवियस स्टडी के रिगार्डिंग भी जो मेरी प्रीवियस स्टडी थी वो ऐसी थी सो डेट्स वाई मैंने ये कोर्स चूज किया तो इसके रिगार्डिंग भी आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए सो so, अभी हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसीडर्ड कंसीडर्ड टू बी द की टू ऑल द कॉम्प्लिकेटेड लॉग्स डैट ग्रांडेड मी सक्सेसफुली करियर इन अदर वर्स लाइक जो भी आपका कोर्स है यहाँ पर मैंने एम बी ए के बारे में बताया है आप इसको रीड कर सकते हो भी एम अगर आपने एम बी ए कोर्स चूज़ किया है तो इसमें आप क्या क्या बोल सकते हो ठीक है जो फर्स्ट पॉइंट है इसको आप यहाँ से स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो स्क्रीन शॉट ले कर आप इसको रीड करके अपने जो आपने कोर्स चूज़ किया है उसके रिगार्डिंग इसको लिख सकते हो इसमें मेन चीज़ सारी मैंने बिजनेस के रिगार्डिंग राइट डाउन की है एम बी ए के रिगार्डिंग राइट डाउन की है तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो अगर मैं इसको प्रॉपर रीड uh, आउट करूँगी तो वीडियोस काफ़ी लॉन्ग चले जाएगी क्योंकि मैंने और कुछ भी आपको बताना है सो डैट्स वाई आप यहाँ पे अभी इसको पाउज करके स्क्रीन शॉट ले लो तो उसके बाद इसको आप अपने जो आपने कोर्स चूज़ किया है उसके रिगार्डिंग राइट डाउन कर सकते हो बट इसमें जो मेन क्वेश्चन ये होने चाहिए भी आपने जो ये कोर्स है वो क्यों चूज आउट किया है ठीक है तो इसमें आपने क्लियर बताना इसमें जो मेन पॉइंट है वो सबसे पहले तो ये आएगा भी जो आपका कोर्स है वो आपकी प्रीवियस स्टडी के रिगार्डिंग है लाइक like, आपने प्रीवियस स्टडी में ग्रेजुएशन किया है तो आप मास्टर करने आ रहे हो तो ग्रेजुएशन में आपके पास कौन से सब्जेक्ट थे लाइक आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पोलिटिकल लिटरेचर ऐसे सब्जेक्ट किए हैं और अभी आप बिजनेस के रिगार्डिंग आ रहे हो तो जो इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स को आप बिजनेस सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट कर सकते हो तो ये आपका रीज़न हो जाएगा सेकेंड थिंग आपने जो अभी कोर्स चूज़ किया है ठीक है आफ्टर जब आपकी स्टडी कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद आप इंडिया वापस आओगे तो उसकी क्या वैल्यू है ठीक है लाइक like, उस कोर्स के रिगार्डिंग आपको कौन कौन से मिल सकती है जॉब्स मिल सकती है इसके रिगार्डिंग भी आप थोड़ा बहुत बता सकते हो उनको और नेक्स्ट क्वेश्चन है वट आफ्टर दिस कोर्स सेम जो अभी मैंने आपको बताया है इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद जब आप वापस आओगे इंडिया तो आपकी मतलब क्या सैलरी पैकेज होगा ठीक है आपने इस कोर्स को क्यों चूज़ किया है फ्यूचर में आपको कैसे बेनिफिट देगा इसके रिगार्डिंग आप बताओगे आई रिटर्न टू माई होम कंट्री एंड विल सीक फॉर द जॉब्स इन द सेम फील रिलेटेड टू माई कोर्स सो डेट यहाँ पे आपने ऑलरेडी टू और थ्री कंपनी सर्च कर लेनी है भी जो भी आपने कोर्स यूके में करना है जब आपकी वो डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको जो भी आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हो लाइक आप इंडिया से बिलोंग करते हो पाकिस्तान से बिलोंग करते हो या फिर अनदर कंट्री से बिलोंग करते हो वहाँ पर आपकी क्या वैल्यू है जो आप कोर्स कम्प्लीट करके आओगे उसके बाद आपको कौन सी जॉब्स मिलेंगी लाइक अगर आप कहते हो भी ठीक है उसके बाद मेरे को प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब मिल जाएगी या मेरे को ये जॉब मिल जाएगी उस जॉब के कितना पैकेज होगा आपकी करंसी के अकॉर्डिंग कितना पैकेज होगा तो वो चीज़ आपने उनको बतानी है ये चीज़ आप उनको बताओगे भी मेरी ये पोस्ट रहेगी और इसका इतना मेरे को पैकेज होगा सो डैट्स वाई मैंने ये चूज़ किया है व्हाट इज़ योर कोर्स ड्यूरेशन ये आपको पता होना चाहिए आपका जो कोर्स है वो कितने ईयर का लाइक आपका वन ईयर का है टू ईयर का है अगर आप मास्टर कर रहे हो तो वन ईयर की है उसके बाद आपकी प्लेसमेंट है और नहीं अगर आपकी प्लेसमेंट है वो कितने मंथ्स की है ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए और आपका जो कोर्स है कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है ये डेट भी आपको कन्फर्म होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वुड यू लिव तु कितें रहोगे लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन है वो नहीं बुक की है तो आप कहाँ पर स्टे करोगे ठीक है आपको आपकी अकोमोडेशन के बारे में पता होना चाहिए इसमें सम स्टूडेंट्स बोलते हैं अभी मेरे वहाँ पर फ्रेंड्स हैं ठीक है मैं उनके साथ रहूँगा ऐसे तो आपको एग्जैक्ट वहाँ का एड्रेस पता होना चाहिए भी ठीक है आप कहाँ पर स्टे करोगे सो so, इसके रिगार्डिंग आप बोल सकते हो ठीक है आई ऑलरेडी मैंशन अर्लियर डैट यू ई एल इज द वन ऑफ द बेस्ट इन लंडन ऑफर्स अ मॉडर्न एंड सिक्योर एंड कैंपस फैसिलिटीज़ टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है और आपने जो पहले क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं उसमें आपने बोला है मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहूँगा यूनिवर्सिटी जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाएगी मैं उसमें स्टे करूँगा तब आपने यहाँ पर सेम रिपीट करना है भी अर्लियर मैं आपको मैंशन कर चुका हूँ बी लाइक मैं अपनी यूनिवर्सिटी के में रहूँगा सो डैट्स वाई मैं मेरा जो मतलब मैंने रहने का है वहाँ पे है अगर आपने यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में नहीं रहना है तो आप कब कहाँ पर रहोगे ठीक है आपने कोई प्राइवेट अकोमोडेशन बुक की है या कुछ देखा है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा ठीक है उसका एड्रेस भी आपसे वो पूछ सकते हैं वो भी चीज़ आपने बतानी है और इसमें सेकेंड थिंग आप ये भी बोल सकते हो लाइक ठीक है मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे मैंने उनसे बात की थी जो भी जिस लोकेशन में भी आपने जाना है यूके में आप बोल हो सकती उस लोकेशन में प्राइवेट रेंटेड हाउस है ठीक है मैं वहां पे स्टे करूँगा या फिर आप बोल सकती हो अभी काफ़ी सारे फेसबुक पे लाइक like, ग्रुप्स बने हुए हैं ठीक है वहां पे मेरे को हेल्प मिल जाती है और लाइक like, और आपने इंटरनेट पे सर्च किया है वहाँ पे काफी सारे अकोमोडेशन है वहाँ पे सर्च करके मैं चेक कर सकता हूँ मैं कहाँ पे स्टे करना है वो चीज़ आपने उनको प्रॉपर बतानी है नेक्स्ट वेयर वेयर ऑल डिड यू अप्लाई यू कैन से आई अप्लाइड इन द मिडलेक्स यूनिवर्सिटी मिडलफर्ड इस तो बिना कितें कितने अप्लाई किया लाइक फॉर like एग्जाम्पल आपने एक यूनिवर्सिटी के बारे में उनको बोल रहे हो बता रहे हो भी मैंने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है बट इसके बिना आपने और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च किया है और अपलाई किया है अगर तो आपने लाइक टू और थ्री यूनिवर्सिटी में अप्लाइड किया है बट आपने एक यूनिवर्सिटी में जो इसके बारे में आप बता रहे हो जिसकी आप इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो उसकी प्रेफरेंस में बता रहे हो ठीक है तो उनको बताना है अगर आपने नहीं अप्लाइड किया तब भी आप उनको बता सकते हो कि जस्ट मैंने इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाइड किया था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था मैं इसी यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन लेना चाहता हूँ ठीक है तो वो चीज़ आप इनको कन्फर्म कर सकते हो टेल मी अबाउट योर सेल्फ ये सबको पता होगा आई थिंक सो मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपने अपने बारे में बताना है ठीक है जो भी आपकी बैकग्राउंड स्टडी है ठीक है उसके रिलेटेड आपने बताना है कुछ भी आप इनमें बता सकती हो ये यह आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनका मैं आपको लाइक या यहाँ पे पाउस करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसको रीड कर सकते हो इसके रिगार्डिंग आप बता सकते हो ये क्वेश्चंस आता है इसको बस थोड़ा सा बताना है मैंने काफ़ी एक्सप्लेन में लिखा हुआ है थोड़ा सा बता सकते हो आप वट वाज यूर लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है ट्वेल्थ है ग्रेजुएशन है उसके बारे में आपने बताना है और किस ईयर में आपने किए हैं कितने परसेंटेज आपके मार्क्स आए हैं टेल मी अबाउट द फ्यू सब्जेक्ट डैट यू हैव स्टडी इन यूर लास्ट क्वालिफिकेशन आपने अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन में कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए हैं उनके बारे में आपने बताना है नेम सम बुक्स डैट यू वुड रेफर रेफ़र टू इन योर लास्ट क्वालिफिकेशन जो आपने लास्ट क्वालिफिकेशन में बुक्स रीड किए हैं जैसे लाइक like हम ग्रेजुएशन करते हैं ग्रेजुएशन में ठीक है जब बी सी है उसमें हम बुक्स रीड करते हैं वो कौन से लाइक like ऑथर्स की हैं एक वन टू ऑथर्स का आपको नेम याद होना चाहिए वो भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे टेल मी सम मोड्यूल्स डैट यू वुड शूज इन द स्टडी इन यू के अभी जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है जैसे आपको पता है ना आपका कोर्स कौन सा है ठीक है उसका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फोर्थ सेमेस्टर्स के जो मोड्यूल्स हैं उनके नेम्स याद होने चाहिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे ऑफकोर्स ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको मोड्यूल्स के बारे में बताना है अपने कोर्सेज के भी मैंने ये वाला कोर्स चूज़ किया है जैसे फॉर एग्जाम्पल एम एस सी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एंड विद प्रोफेशनल प्लेसमेंट एक मोड्यूल है ठीक है इसमें आपके लाइक like, फोर जो मॉड्यूल्स एक ये एक कोर्स का नेम है इसमें फ़ोर मोड्यूल्स आते हैं तो आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके मोड्यूल्स याद होने चाहिए सेकेंड सेमेस्टर्स के मॉड्यूल्स याद होने चाहिए थर्ड सेमेस्टर के मेन इम्पॉर्टेंट थिंग फर्स्ट एंड सेकेंड्स के आपको याद होने ही चाहिए थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के भी आप अगर याद रखें तो ज़्यादा बेटर है ठीक है वो आपसे पूछेंगे भी आपके कौन से मोड्यूल्स हैं उसके यहाँ पे आपने उनको नेम बताना है अपने मोड्यूल्स में और इसमें आप ये भी ये भी बता सकती हो भी इनमें से मेरा ये जो मोड्यूल है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को क्योंकि इसमें मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग थिंग्स रहेंगी और राइट right. तो ये चीज़ आप उनको बता सकते हो हाउ वुड यू सी फॉर योर स्टडी इन द यू लाइक फॉर एग्जांपल इसके आपको मार्किंग मटेरियल का भी पता होना चाहिए इसमें ठीक है, है, है जो आपके एग्जाम्स हैं प्रोजेक्ट हैं प्राइटिशियंस हैं जो आपकी पी भी है वो कितने कितने के हैं ये क्वेश्चन मतलब बहुत कम पूछते हैं बट सम टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इस क्रेडिट कोर्स पता होने चाहिए जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो मेड्यूल्स हैं उसके कितने कितने क्रेडिट्स हैं ठीक है जैसे फर्स्ट फर्स्ट मॉड्यूल है वो ट्वेंटी क्रेडिट्स का है सेकेंड मड्यूल है वो थर्टी क्रेडिट्स का है वो आप ये ये वाली इंफॉर्मेशन है जब आप अपनी यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग सर्च करती हो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके उसके बाद आप अपना कोर्स मॉड्यूल ओपन करोगे कोर्स मॉड्यूल ओपन करने के बाद वहाँ पे क्रेडिट कोर्स लिखा होता है तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए हाउ मच इज़ द ट्यूशन फीस ट्यूशन फीस कितनी है जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट किया है उसकी ट्यूशन फीस कितनी है टोटल लाइक like आपने कोई एम बी ए की रिगार्डिंग कोर्स सेलेक्ट किया है मान लो उसकी जो फ़ीस है वो फोटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड समथिंग है ठीक है जो जी पी पे की रिगार्डिंग है यू के की करेंसी के अकॉर्डिंग ठीक है तो वो आपको पता होनी चाहिए भी आपकी जो फ़ाइनल फ़ीस है कितनी है कि, कि उसमें से आपने कितनी सबमिट कर दी है अगर आपने कर दी है ऑलरेडी तब तो आप उनको बता सकते हो भी मैंने इतनी सबमिट कर दी है और इतनी मेरी पेंडिंग है अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तब तो भी आप उनको बताओगे भी मेरी टोटल फ़ीस इतनी है और इसमें से मैंने इतनी फ़ीस सबमिट करवा दी है और इतनी मेरे को स्कॉलरशिप मिली है और इतनी फ़ीस मेरी पेंडिंग है ये चीज़ आपको आनी चाहिए ये चीज़ अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे ठीक है तभी आप अपना यू यूके का इंटरव्यू है यूनिवर्सिटी का वो क्लियर कर सकते हो हाउ मच इज़ द लिविंग एक्सपेंसेस लिविंग एक्सपेंसेस आपको पता होना चाहिए इनर लंडन के कितने हैं आउटर लंडन के कितने हैं अगर आप लंडन साइड रह रहे हो ठीक है यहाँ पे भी आप रहोगे तो स्पेसिफ़िक आप उनको लोकेशन बता के वहाँ के एक्सपेंसेस बता सकते हो यहाँ पे जो मतलब लाइक like, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं वो इतने हैं और जो लिविंग कॉस्ट है वो इतनी है और जो ग्रॉसरी की कॉस्ट है वो इतनी आ सकती है तो ये चीज़ आप उनको बताओगे वुड यू वर्क पार्ट टाइम क्या आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो अगस uh, yes, आपके पास अथॉरिटी है अभी आप ट्वेंटी आवर्स वर्क कर सकते हो क्योंकि ये स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स को जो अथॉरिटी होती है वो ट्वेंटी आवर्स से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते जस्ट ओनली ट्वेंटी आवर्स वो पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं अगर आप कर, करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बता सकते हो यस ठीक है भाई मैं पार्ट टाइम वर्क करूँगा अपना और इससे जो भी आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो आप कर सकते हो अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नो भी बता सकते हो क्योंकि इसमें ये चीज़ आ जाएगी क्योंकि जो भी आपका लिविंग एक्सपेंसेस है वो ऑलरेडी आप अपने अकाउंट्स में दिलवाते हो ठीक है जब आपका इमिग्रेशन होता है तो उस टाइम वो चेक करते हैं भी आपके लिविंग एक्सपेंसिस की जो कॉस्ट है वो इतनी है और आपकी जो फ़ीस है वो इतनी आपने सबमिट कर दिया जो बाकी की पेंडिंग फीस है वो इतनी आपके अकाउंट्स में होनी चाहिए तो वो चीज़ आप वहाँ पे सब कुछ एवरीथिंग शो करते हो ठीक है तो वो चीज़ भी है अगर आप यहाँ पे आके काम नहीं कर रहे तो जो भी आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं जितने बनते हैं उसमें से आप अपनी जो पेमेंट है वो डिडक्ट करवा सकते हो आप अपने अकाउंट्स में डलवा सकते हो ठीक है वो आपके ऊपर डिपेंड है अप टू यू भी आपने यस yes बोलना है कि नो no बोलना है बट जो भी आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो प्रॉपर होना चाहिए वुड यू वर्क फुल टाइम आफ्टर द कोर्स जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप फुल टाइम काम करना चाहोगे ठीक है वो ये भी अप टू यू है अगर आप करना चाहोगे तो या तो इसमें बारे में आप पी एस डब्ल्यू के बारे में एक्सप्लेन कर भी सकते हो भी एस आई नो मेरे को पता है जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है वो टू ईयर का मिलता है पर जब आपकी स्टडी कम्प्लीट हो जाएगी ठीक है उसके बाद आप उसको अप्लाई कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते ये अप टू यू है तो उसके अकॉर्डिंग आपने उनको बताना है वाई डिड यू वाई डि नॉट यू प्लान टू स्टडी इन इंडिया अगर इसमें दो सिमिलर क्वेश्चन आपको आ सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आपने कोई कोर्स जो चूज़ किया है वो कोर्स सिमिलर इंडिया में भी है ठीक है तो इंडिया में भी है और यहां पे भी है तो वो आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी आप इंडिया में स्टडी करना क्यों नहीं चाहते क्योंकि सिमिलर जो कोर्स है वो इंडिया में भी है बट आप यूके को ही क्यों प्रेफरेंस कर रही हो या फिर आप कैनेडा में क्यों नहीं करना चाहते ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं करना चाहते तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो इसमें भी आपने उनको रीजन बताने हैं वैलिड रीजन भी आप यूके में ही स्टडी करना क्यों चाहते हो एज कंपेयर टू इंडिया कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हो तो इसमें जो मेन पॉइंट ये है भी जो यूके की स्टडी है वहाँ पे जो मास्टर करने आ रहे हैं वो जस्ट ओनली वन ईयर की है एज़ कम्पेयर टू अदर अगर आप इंडिया में करते हो तब भी आपको टू ईयर की करनी पड़ती है कैनेडा में करते हो तब भी आपको टू ईयर की करनी पड़ती है तो बट ये यू में आपको जो मास्टर की डिग्री है वो वन ईयर में आप कंप्लीट कर सकते हो तो ये चीज़ आप बता सकते हो सेकेंड थिंग आप बता सकते हो भी यहाँ पे जो स्टडी है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है एज़ कम्पेयर टू थ्रेटिकल बट अगर आप इंडिया में करते हो ठीक है तो वहाँ पे क्या है आपको थ्योरी ज़्यादा करवाई जाती है जिसकी वजह से आपकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो बहुत कम हो जाती हैं बट अगर आप यूके में स्टडी करते हो ठीक है थीका? वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखने को मिलती है आप किसी के एग्जांपल भी ले सकते हो लाइक फॉर एग्जांपल रिसर्च वर्क यहाँ पर जो रिसर्च वर्क है वो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है पी बनानी पड़ती हैं प्रोजेक्ट्स प्लान एक्सप्लेन करने पड़ती हैं बट आपको इंडिया में ऐसा कुछ नहीं मिलता थर्ड थिंग आप इनको ये भी बता सकते हो लाइक फॉर एग्जांपल जो इंडिया में जब आप मास्टर्स करते हो तो वहाँ पे थ्रैक्टिकल तो है प्रैक्टिकल नहीं है ये इसके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो कि आपकी जो इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इंप्रूव होगी बट आप जब अपनी ओन कंट्रीज़ में रहते हो तो आप वही जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो यूज़ करते हो जो वहाँ की मदर लैंग्वेज है ठीक है तो बट जहाँ पर आप आओगे तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होगी आप डिफरेंट लाइक पीपल से मिलोगे डाइवर्सिटी होगी तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं समथिंग वो आप इनको बता सकते हो आप को काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा न्यू न्यू थिंग्स तो इससे आप अपनी नॉलेज भी गेन कर सकते हो तो ऐसी चीज़ आप इनको बता सकते हो इसमें और एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वट डज़ यूर फैमिली डू आपकी फैमिली क्या करती है आपकी यू ठीक है जो भी आपकी फ़ैमिली करती है वो आप उनको बताना है वट आर योर करियर प्लान्स आपके करियर प्लान्स क्या हैं जब आपकी डिग्री कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने कभी भी ये नहीं कहना भी ठीक है यहाँ पर मैं स्टे करूँगा यहाँ पर यहाँ पर मैं लॉन्ग टाइम के लिए रहना चाहता हूँ नो no. आप अपनी डिग्री कम्प्लीट करके अपने ऑन कंट्री जाओगे और वहाँ पर जो आपके करियर प्लान्स हैं जब आप अपनी डिग्री कम्प्लीट कर लोगे उसके बाद आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं किस कंपनी में मिलती हैं क्या आपका पैकेज है सैलरी पैकेज रहेगा ठीक है वो चीज़ सारी ऑलरेडी आपने सर्च करके उनको बताना है ये मेरी डिग्री है जब मैं ये डिग्री कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद मैं अपनी कंट्री में जाऊँगा वहाँ पे ये कंपनीज़ हैं ये कंपनी इस इस पैकेज को ऑफर कर रही हैं तो अगर मैं ये पैकेज ले लेता हूँ तो उसके बाद आपका जो करियर प्लान है उसको आपने एक्सप्लेन करना है वे यू विल सी योर आफ्टर फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ जब लाइक like, आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगे उसके पाँच साल के बाद आपके पास क्या क्या होगा ठीक है उसमें आप ये चीज़ बता सकते हो लर्न अ न्यू स्किल और टेक्नोलॉजी के आपके बारे आप में पता होगा क्योंकि आप यूके में स्टडी करने आ रहे हो वहाँ पे ऑलरेडी एडवांस है अचीव आप प्रमोशन प्रमोशन अचीव कर सकते हो गेन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव लीडरशिप स्किल्स डेवलपा करियर प्लान इंप्रूव एफिशेंसी रेट्स विद कम्प्लीटिंग प्रोजेक्ट्स इसमें इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो आफ्टर फाइव ईयर्स आपको क्या क्या मिल जाएगा वो चीज़ आप इसमें ऑन कर सकते हो वट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो भी आपकी स्ट्रेंथ है और जो भी आपकी वीकनेस है वो आपने उनको बतानी है स्ट्रेंथ लाइक like आपका स्ट्रॉग पॉइंट क्या है जैसे मैं गुड कम्युनिकेटर हूँ ठीक है टीम प्लेयर हूँ मैं टीम में वर्क कर सकता हूँ जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो आप उनको बता सकते हो और जो भी आपकी वीकनेस है वीकनेस लाइक सम स्टूडेंट्स होते हैं लाइक like उनके पास पेशेंस नहीं होती ठीक है लेस पेशेंस है तो वो चीज़ आप उनको बता सकते हो आपके स्ट्रेंथ पॉइंट्स कौन कौन से हैं और आपके वीकनेस पॉइंट्स कौन कौन से हैं वट आर योयर इंट्रस्ट आप अपने इंटरेस्ट के बारे में उनको बता सकते हो आपका इंटरेस्ट कहाँ कौन सा है वो चीज़ आप उनको क्लियर कर सकते हो वुड यू स्पॉन्सर योर स्टडी एंड वाई आपकी यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर करेगी क्योंकि उसने आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करना है ठीक है तो वो आपको प्रो करेगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सॉरी हु वुड स्पॉन्सर यूर स्टडी एंड वाई सॉरी इस क्वेश्चन में आपको है भी आपकी स्टडीज़ के लिए स्पॉन्सर कौन कर रही है ये क्वेश्चन टू टाइप्स के आ जाते हैं एक आता है जो यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर कर रही है ठीक है उसके रिगार्डिंग आता है एक सेकेंड क्वेश्चन आता है हु वुड स्पॉन्सर योर स्टडी एंड वाई आपको स्टडी के रिगार्डिंग कौन स्पॉन्सर कर रहा है अगर तो आप खुद ले रहे हो जैसे लाइक सम स्टूडेंट्स होते हैं एजुकेशन लोन लेते हैं ठीक है थीके? तो आप बोल सकते हो माए साहब ठीक है मैं अपना खुद स्पॉन्सर कर रहा हूँ अगर आपकी लाइक like जो पेरेंट्स है ठीक है पेरेंट्स स्पॉन्सर्स करते हैं तो आप उनके बारे में बता रहे हो भी ठीक है मेरे फादर हैं जब मेरे फाइनेंशियल के लिए कौन पे कर रहे हैं ठीक है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन डू यू हैनी रिलेटिव इन दू के अगर है तो आप बता सकते हो नहीं है तब भी बता सकते हो वेयर इज यूर यूनिवर्सिटी लोकेटेड आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है आपको उसका प्रॉपर एड्रेस पता होना चाहिए वट वुड बी यूर सैलरी आफ्टर कमिंग टू इंडिया जब आप इंडिया आओगे तो आपका कितना सैलरी होगा कितना पैकेज होगा उसके बारे में आपने उनको बताना है सो so, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं आई होप आपको इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ पता लगा होगा अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रपेयर कर लेते हो तो फाइनली आपकी जो यू की यूनिवर्सिटीज़ की इंटरव्यू है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी और लास्ट थिंग अगर आप मेरे से इंटरव्यू प्रपेशन करना चाहते हो तो आप मेरे को डी कर सकते हो उसके बाद मैं आपको बता सकती हूँ भी आपको मैं जो इंटरव्यू की प्रपेशन है कैसे करवाऊंगी जो भी स्टूडेंट्स मेन टेक में आ रहे हैं स्तंभर इनटेक के लिए आ रहे हैं ठीक है थीके? उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं सो बी केयरफुल जो भी आपकी इंटरव्यू है उसको अच्छे से प्रपेशन करो इंटरव्यू अगर आप क्लियर करोगे उसके बाद ही आपको जो कैश लेटर है वो इशू होगा फर्स्ट ऑफ मेन मेन थिंग जो आपकी इंटरव्यू प्रिवेशन है आफ्टर के के like कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तब भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ वहाँ पे जाके आप डीएम कर सकते हो आपकी हेल्प हो जाएगी ओके okay गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना शेयर करना उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको इंटरव्यू क्लियर करने में प्रॉब्लम आ रही है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ओके गाइस टेक केयर बाय बाय मिलते हैं एक न्यू वीडियो न